दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में जितने राज्य, जितने शहर, जितने गांव हैं, उतनी ही परंपराएं हैं और कहीं ना कहीं इन परंपराओं को आध्यात्मिकता से जोड़ा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन चीजों को हम सुपरस्टिशियंस समझकर नाकार देते हैं, आज कई स्टडीज उन परंपराओं के फायदे बता रही हैं। सूर्य को जल चढ़ाने से लेकर नीचे बैठकर खाना खाने तक हमारी संस्कृति की कई ऐसी चीजें हैं जो साइंस पर आधारित है, और आज हम आपको फैक्ट स्टोरी पर इसी के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्ते। हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है, और कोरोना महामारी के बाद से तो विदेशियों ने भी हमारी इस संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया है। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं, और साथ में ये आपके शरीर के लिए भी अच्छा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हाथ जोड़ना हमारे शरीर के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर साइंस के नजरिए से देखें तो जब हम हाथ जोड़ते हैं और हमारी उंगलियों के टिप्स एक साथ जुड़ते हैं, जिसका आँख, नाक, कान, दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं, ये प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते ही हम सामने वाले इंसान को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। उपवास। हम में से शायद ही कोई होगा जिसे इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में नहीं पता होगा। आज देश विदेश के लोग इसके बेनिफिट्स जानकर इसे अपना रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, आज जो साइंस हमें बता रहा है उसका जिक्र तो पहले ही हमारे आयुर्वेद में देखने को मिलता है। प्राचीन समय में भगवान के नाम पर किए जाने वाले इस व्रत के कई हेल्दी बेनिफिट्स हैं। आयुर्वेद के मुताबिक फास्टिंग से होता ये है कि हमारे शरीर के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं। फास्टिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेस्ट मिलता है और हमारे इम्यून सिस्टम वो भी मजबूत होती है। सूर्य को जल चढ़ाना। आपने अक्सर अपनी दादी नानी को सुबह के समय सूर्य को जल अर्पण करते देखा होगा, और इसे कोई सुपरस्टिशन समझकर इस पर हंसे भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब हम सूर्योदय के समय जब सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो उस समय सूर्य की जो किरणें निकलती हैं वो हमारे लिए काफी फायदेमंद होती हैं। जब हम सूर्य को पानी चढ़ाते हैं तो पानी की धारा से होकर सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं। साइंस के मुताबिक ये ठीक वैसा ही है जैसा सूर्य की किरणें प्रिज्म से होकर सात रंगों में बढ़ जाती हैं। इस प्रक्रिया से हमारे शरीर को काफी फायदा होता है, साथ ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो उसकी किरणें पानी से होकर आँखों में जाती हैं, जिससे आँखों से संबंधित रोग होने की संभावना कम हो जाती है। जमीन पर बैठकर खाना। अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने की आदत है, तो आगे जो हम आपको कहने वाले हैं वो आपको ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। अगर आप देखो तो प्राचीन समय में हमारे देश में लोग कुछ इस तरह नीचे बैठकर खाना खाते थे। इसे सुखासना भी कहा जाता है। दरअसल सुखासना में बैठने से हमारी बॉडी डाइजेस्टिव प्रोसेस के लिए तैयार हो जाती है, और जब हम खाना खाते हैं तो कुछ इस तरह के आगे पीछे मूवमेंट से डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज करते हैं। इससे डाइजेशन स्पीडी और आसान हो जाता है। कान छिदवाने की परंपरा। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में बच्चों के कान छिदवाने की परंपरा चलती आ रही है। अगर स्टडीज की माने तो इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, और डॉक्टर्स की भी माने तो इससे आवाज अच्छी होती है, और कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नसों में रक्त संचार नियंत्रित रहता है। इन सभी चीजों की वजह से भारत में कान छिदवाने की परंपरा रही है। हाथ से खाना। दोस्तों, तेजी से बदलती जीवन शैली और ट्रेंड के चलते हाथ से खाना खाना काफी ही ओल्ड फैशन माना जाता है। लेकिन सदियों से चली आ रही ये प्रथा के कई हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। कई स्टडीज इस ओर इशारा करती हैं कि हमारी उंगलियों की नर्व एंडिंग्स हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती हैं, और हम कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसके अलावा हाथ से खाना खाने की वजह से हम माइंडलेस ईटिंग से भी बचते हैं, क्योंकि हाथ से खाने से हमें फुल होने का एहसास अच्छी तरह से होता है। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तो अगली बार हाथ से खाना खाकर देखिए और खुद बदलाव का अनुभव करिए। हवन या यज्ञ। दोस्तों, आजकल कई लोग हवन या यज्ञ ना करने की सलाह लोगों को देते हैं, ये कहकर कि उससे काफी पोल्यूशन होता है। लेकिन अगली बार अगर कोई आपसे ये कहे या आप खुद इस चीज को मानते हैं, तो हम आपको बता दें कि हवन सामग्री में जिन प्राकृतिक तत्वों का मिश्रण होता है, उदाहरण के तौर पर कर्पूर, तिल, चीनी जैसी सामग्री के जलने से जब धुआं उठता है तो उससे घर के अंदर कोने कोने तक कीटाणु समाप्त हो जाते हैं, साथ ही साथ कीड़े मकोड़े भी इससे दूर भागते हैं। दक्षिण की तरफ सिर करके सोना। आपने बचपन से ये कई बार सुना होगा कि दक्षिण की तरफ पैर करके सोने से भूत का साया आप में आ जाएगा या फिर बुरे सपने आएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क है।
दरअसल जब कोई उत्तर की ओर सर करके सोता है तो उसकी बॉडी पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाती है, जिससे शरीर में मौजूद आयरन दिमाग की ओर संचालित होने लगता है। इस वजह से पार्किंसन, अल्जाइमर या दिमाग संबंधी बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। घर में तुलसी। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को देव स्वरूप माना जाता है, वहीं आयुर्वेद में सदियों से इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जाता है। घर में तुलसी लगाने से कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि सांप भी घर में नहीं भटकते हैं। रोज तुलसी को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इतना ही नहीं, तुलसी शरीर के लिए बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक है, साथ ही ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है। माथे पर तिलक। हमारी लिस्ट में सबसे आखिरी नंबर पर है माथे पर तिलक लगाना। आंखों के बीच से माथे तक एक नस जाती है, उस पर तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते वक्त जब अंगूठा या उंगली से प्रेशर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा को रक्त सप्लाई करने वाली मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह से रक्त पहुंचता है। कोई ऐसे रीति रिवाज के बारे में जानते हैं जिसे लोग अंधविश्वास मानते हैं लेकिन उसके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है? अगर हाँ तो हमें उसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाते जाते इसे सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं।